जय श्री श्याम। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा, आज की क्लास में हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसी को कंटिन्यू रखेंगे। बेटा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया अबाउट द गुडविल, उसका नेचर, उसकी फीचर्स एंड व्हाट आर द रीजन व्हेन वी नीड टू वैल्यू गुडविल। ठीक है बेटा, उसी से आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपने अभी तक जो पहले वाली क्लास है वो नहीं की है तो मैं आपको उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आपको ये वाली वीडियो देखनी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा आज की अपनी क्लास। तो बेटा, आज की क्लास शुरू करेंगे हम लोग उन फैक्टर्स को स्टडी करके जिनसे कि एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है, यानी फैक्टर इफेक्टिंग गुडविल। तो देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट जितनी अच्छी होगी बेटा, उस ऑर्गेनाइजेशन की उस फर्म की गुडविल उतनी ही बेटर होती है। तो पहला पॉइंट एफिशिएंट मैनेजमेंट। दूसरा बेटा फेवरेबल लोकेशन। फेवरेबल लोकेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फर्म है, ठीक है, वो कहां पर सिचुएटेड है, क्या वो लोकेशन ऐसी है जहां पर इजीली रीचेबल रीचेबिलिटी है, क्या वहां पे कस्टमर आसानी से जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन फेवरेबल है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फर्म की सेल भी अच्छी होगी, और फर्म की सेल अच्छी होगी तो बेटा फर्म का प्रॉफिट भी अच्छा होगा और उस फर्म की गुडविल भी अच्छी होगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, एक फर्म, एक दुकान बेटा कनॉट प्लेस में है और एक दुकान दूसरी जगह पे, तो ऑब्वियस सी बात है जो कनॉट प्लेस में फर्म है, कनॉट प्लेस में दुकान है, उसकी गुडविल उस जैसी दूसरी दुकानों की तुलना में ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि कनॉट प्लेस में जो रीचेबिलिटी है बेटा वो बहुत अच्छी है, वहां पर फॉरेनर्स भी आते हैं और वो फर्म दूसरी फर्मों की तुलना में ज्यादा लाभ कमाएगी। ठीक है बेटा, तो तीसरा पॉइंट है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर किसी फर्म के पास लॉन्ग रन कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, लॉन्ग रन के कॉन्ट्रैक्ट हैं किस चीज के, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एट अ फेवरेबल प्राइस, तो उस फर्म की गुडविल दूसरों की तुलना में अच्छी मानी जाती है, यानी फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट डालते हैं। इसके बाद बेटा लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। कंपैरेटिवली जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी फर्म जितनी पुरानी होगी तो ऑब्वियस सी बात है बेटा उसका कस्टमर बेस उतना ही ज्यादा होगा, उसको उतने ही ज्यादा कस्टमर जानते होंगे, उतने ही लोग ज्यादा जानते होंगे, तो उसकी सेल्स भी ज्यादा होगी, और अगर सेल ज्यादा है तो बेटा उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। इसके बाद बेटा एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। देखिए, पेटेंट्स क्या है, पेटेंट्स का मतलब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक गुड्स या टेक्निक को हम पेटेंटेड यानी रजिस्टर्ड करा देते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के पास जितने ज्यादा पेटेंट्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब पेटेंट का मतलब यह है अगर कोई आपकी उस टेक्नोलॉजी उस गुड्स को यूज करना चाहता है तो उसको आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी, मींस उसको अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी पेटेंटेड चीज उनको यूज करने के लिए या पेटेंटेड टेक्निक उनको यूज करने के लिए दे रहे हो। ठीक है, तो जितने ज्यादा पेटेंट्स किसी फर्म के पास होते हैं बेटा उस फर्म की गुडविल उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसका प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होता है। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा एक्सेस टू सप्लाई। मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल ऐसा है जो बहुत रेयर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, बट अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास उसकी सप्लाई एक्सेस है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास इजीली अवेलेबल है, तो ऑब्वियस बात है आपके ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल दूसरी फर्मों की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा सबको पता है, हर कस्टमर को पता है कि कहीं मिले या ना मिले बट आपके पास वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो अवेलेबल है तो वो डायरेक्ट आपके पास आएंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी फर्म की गुडविल बढ़ेगी। फिर आता है बेटा क्वालिटी। देखिए, क्वालिटी अगर किसी गुड्स की क्वालिटी, ठीक है, किसी फर्म की गुड्स की क्वालिटी बेटर है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी गुडविल भी बेटर ही होगी दूसरी फर्मों की तुलना में। जैसे एक एग्जांपल के लिए बेटा हल्दीराम यहां पर हमारे जो वेजिटेरियन फूड्स है उसके लिए फेमस है और अपनी क्वालिटी के लिए फेमस है, तो सिंपल सी बात है अगर वो फेमस है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो लोग
उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे, और उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे तो उसकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी गुडविल दूसरे जैसी, उसके जैसी दूसरी फर्मों की तुलना में बेटर ही होगी बेटा। फिर आता है पास्ट परफॉर्मेंस। अगर किसी फर्म की पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, वो लगातार पिछले बहुत सालों में प्रॉफिट कमाती आ रही है, तो उसकी गुडविल बहुत अच्छी होती है बेटा। ये भी एक पॉइंट है जो कि एक फर्म की गुडविल पे इफेक्ट डालता है। ठीक है बेटा, वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट और आप कर सकते हो, बट क्योंकि ये आएगा तो मैक्सिमम 3 मार्क्स में, इससे ज्यादा ये आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग केवल 8 पॉइंट ही डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ गुडविल की। तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुडविल। देखिए टाइप्स ऑफ गुडविल में हम दो तरीके की गुडविल स्टडी करते हैं बेटा, एक का नाम है परचेज गुडविल और दूसरी का नाम है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है जब फर्म कोई कंसीडरेशन पे करती है, पेड इन वे ऑफ कैश और काइंड। जब कोई भी फर्म गुडविल खरीदने के लिए कुछ पे करे तो उसको कहते हैं बेटा परचेज गुडविल। अब क्योंकि यहां पे कंसीडरेशन पे की गई है, मान लीजिए आपने कैश पे किया है, तो यहां पर आपकी फर्म में से कैश गया है, तो इस गुडविल को बेटा हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये होती है परचेज गुडविल। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल देकर भी समझ सकते हैं बेटा। देखिए मान लीजिए कोई एक फर्म है जिसने कोई एक बिजनेस परचेज किया। ठीक है, तो यहां पर जो बिजनेस की वैल्यू होती है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस या जिसको हम नेट असेट्स भी कहते हैं, वो होता है बेटा असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। यानी आपने उस फर्म की कितनी असेट्स परचेज की और उसमें से कितनी लाइबिलिटी ली है। ठीक है, तो वो होता है वैल्यू ऑफ बिजनेस या नेट असेट्स। मान लीजिए एक फर्म है जो आपने परचेज की, उसमें 5 लाख की असेट्स है और 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब है जो आप नेट असेट्स परचेज कर रहे हो, जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो कितना है, 4 लाख रुपए। ठीक है, बट अगर आप जो कंसीडरेशन पे कर रहे हो वो 4 लाख रुपए से ज्यादा है, वो 4 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ये गुडविल होता है बेटा जो आपने एक्स्ट्रा पे किया। तो गुडविल इज व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज मोर देन नेट असेट्स और वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, मान लीजिए 4 लाख रुपए का बिजनेस उस फर्म ने 4,50,000 में परचेज किया है, यानी फर्म पे करेगी 4,50,000, बट उसको कितने की वैल्यू मिली बेटा बिजनेस में, 4 लाख रुपए की। तो यहां पे जो 50,000 परचेजिंग फर्म ने पे किया है वो किस चीज का पे किया है, वो गुडविल का पे किया है। तो यहां पे क्योंकि हमने 50,000 पे किया है, तो बेटा इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये था आपका परचेज गुडविल। एक बार इसकी फीचर्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो परचेज गुडविल है बेटा, उसकी पहली फीचर्स है इट्स नॉर्मली अराइज ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस। जब आप एक बिजनेस परचेज करते हो तो उस टाइम पर ये गुडविल अराइज होती है। ठीक है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देके पढ़ ली। ठीक है, अब यहां पर फिर दूसरा पॉइंट भी है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्यों रिकॉर्ड होगी ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि हमने यहां पर इस गुडविल के लिए पे करना है, तो इसको हमें रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तीसरी है बेटा इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इट विल बी रिकॉर्डेड
ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम इसको रिपोर्ट करेंगे बेटा, ठीक है। फिर फोर्थ, गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट। ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है बेटा, ठीक है। सब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब है कि गुडविल जो वैल्यू होगी बेटा वहां पर होगी जहां पर कि बायर और सेलर ऑफ द बिजनेस इज एग्रीड, ठीक है। बायर हमेशा ये कहेगा कि भाई मैं कम पे करूंगा गुडविल के लिए, आपकी मार्केट वैल्यू कम है, आपकी गुडविल कम है। सेलर ये चाहेगा कि मुझे अपनी गुडविल का ज्यादा से ज्यादा अमाउंट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि सेलर तो बेचना चाहता है तो वो चाहेगा ज्यादा ज्यादा बिके, बायर खरीदना चाहता है वो चाहता है सस्ते में मिल जाए, ठीक है। तो यहां पर हमें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, और वही हमारी गुडविल ट्रीट की जाएगी जहां पर हम दोनों एग्री होंगे। फिर इट विल बी अमोर्टाइज, क्योंकि इनटेंजिबल असेट्स है तो हम इसको अमोर्टाइज करेंगे ऑन इट्स लाइफ, ठीक है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ उस पर हम इसको अमोर्टाइज कर देंगे, ठीक है। और वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेशंस फ्यूचर प्रॉफिट। भाई अगर मुझे लगता है कि इस बिजनेस को परचेज करने से मुझे फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होने वाला है तो मैं उसके लिए ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, मैं उसकी गुडविल का ज्यादा अमाउंट पे करूंगा। बट अगर मुझे लगता है इस फर्म की तो कोई गुडविल ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई जानता ही नहीं है, ठीक है, और इसके नाम से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला इतना, तो मैं ज्यादा अमाउंट पे नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। तो ये सारा किसके बारे में है, ये सारा है परचेज गुडविल के बारे में। अब बात करेंगे दूसरी टाइप की गुडविल जिसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेटा अब बात करते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी वो मार्केट वैल्यू जो हमने खुद अपने आप जनरेट की है, ठीक है। ये जो गुडविल क्रिएट होती है, जनरेट होती है बेटा, ये जनरेट होती है बाय द एफर्ट्स ऑफ पार्टनर्स और ओनर और द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स। वो ईयर आफ्टर ईयर हार्डवर्क करती है और उसके बाद उसकी मार्केट वैल्यू, उसकी गुडविल बढ़ने लगती है, यानी लोग उसको मार्केट में पहचानने लगते हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको कहते हैं बेटा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखिए ये किस तरीके से, मान लीजिए किसी मिस्टर एक्स ने एक शॉप ओपन की, तो जब शुरू में उन्होंने शॉप ओपन की होगी बेटा तो उसको कोई जानता नहीं होगा, बट धीरे 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 जब वो काम करना स्टार्ट करता है तो लोग उनको जानना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे जैसे लोग उनको जानना स्टार्ट कर देते हैं तो उनकी गुडविल जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो इसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आप उसने अपने खुद के एफर्ट से जनरेट की है। अब यहां पर क्योंकि ये सेल्फ जनरेटेड है बेटा, तो पहली चीज इसके लिए नो कंसीडरेशन विल बी पेड, नो कंसीडरेशन विल बी पेड। ये यहां पर हम कुछ पे नहीं कर रहे हैं इस गुडविल के लिए, ये हमने खुद अपने मेहनत से अपने एफर्ट से जनरेट की है। अब क्योंकि बेटा यहां पर कंसीडरेशन पे नहीं की है तो इट विल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तीसरा पॉइंट बेटा नॉर्मली इट जनरेट्स इन सेवरल इयर्स, बहुत सारे साल लग जाते हैं बेटा इसको जनरेट करने में। अब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करते हैं और लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस गुडविल को सेल्फ जनरेटेड गुडविल टुक सेवरल इयर्स टू बी जनरेटेड, बट क्योंकि हम इसके लिए कैश पे नहीं करते, कोई कंसीडरेशन पे नहीं करते, इसलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो इतना था आपकी आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास से हम लोग
अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे बेटा, हम लोग अपना पहला मेथड स्टार्ट कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।